चीज़ें बच्चों आज जो है अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग आ रही है बच्चों कि सर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दीजिए। तो बच्चों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है, बोर्ड के अंदर भी आपके प्रश्न नंबर आएंगे, साथ के साथ आपके कंपटीशन में भी सिलेक्शन होगा। बच्चों ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट अभी ICSE बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर आए। बच्चों ये लेटेस्ट अभी अपने 22 तारीख को एक पेपर हुआ था ICSE बोर्ड का, ICS बोर्ड का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हैं। और इन बच्चों का पेपर क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब कराए। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जी मेन्स के, NDA के और जितनी राइटर की मार्केट के अंदर बुक्स हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो साथ साथ इनको भी करिए, क्योंकि अपने को जी मेन्स भी देना है बच्चों, NDA भी देना है और 12th बोर्ड भी देना है। तो ये मिक्सअप क्वेश्चन है बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिखें और इनको क्वेश्चन को करें और अपने पेरेंट्स को भी कहें, अपने दोस्तों को भी भेजें, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सेंड करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नंबर आएंगे तो आपको दुआ मिलेगी बच्चों, है ना। तभी कहते ना, जितना काम दवाई नहीं कर सकती या मेडिसिन नहीं कर सकती, उतनी दवाई दुआ कर जाती है बच्चों। तो अपने फ्रेंड्स को भेजें, बाहर भेजें, जिसको भी भेजना चाहिए भेजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके भी नंबर आएंगे तो आपको कहेंगे यार अच्छी जगह अपने को मिला है। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखें, आंसर करें, निकालें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें, ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको प्रॉब्लम मिलेगी, आंसर भी मिलेगा और अच्छे नंबर भी आपके पास आएंगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9414361832। बच्चों इस मोबाइल नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, फोन करने का टाइम आपका रहेगा रात को 9 से लेकर 10 बजे तक, और दिन में आप कर सकते हैं 3 से लेकर 5 बजे तक बच्चों, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा जो है फ्री रहते हैं। और भी कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप डालिए, तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा। बच्चों एक बच्चे ने भेजा है UP से कि साहब मेरे को PDF डालिए, PDF डालना इतना ईजी नहीं है बच्चों, क्या नंबर आपका है मुझे पता नहीं है, फिर भी आप अपनी जो है आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ मैं, आप प्रॉब्लम भेजिए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना वो बता सकते हैं। तो बच्चों इनको अपनी कॉपी में लिखें और इसको सोल्व करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डिनरी डिग्री, जैसा कि मैंने कहा आपको लेटेस्ट पेपर में रखा है, लेटेस्ट न्यू क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ऑर्डिनरी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री याद करना है। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, तो दो बार डेरिवेटिव बच्चों, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री इसकी 1 हो गई बच्चों। नेक्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ कोसेक, देखो बच्चों क्या नया क्वेश्चन है, कोसेक साइन इनवर्स -1/2 -1 कोसेक इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 आएगा आंसर बच्चों, इसको सॉल्व करिए आपके पास 0 आएगा, इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री आपके पास 1 है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आप बच्चों इसका इंटीग्रेशन करिए, e की पावर x कोसेक स्क्वायर x - cot x dx। तो बच्चों कोटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं माइनस लगाना भूल जाते हैं, इसका आंसर आएगा माइनस कोटेक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, वो माइनस कोटेक्स ई की पावर एक्स आंसर आएगा बच्चों। पहले नेगेटिव बाहर निकालो फिर इसका इंटीग्रेशन करिए, 1 से √3 dx/(1+x)2, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनवर्स एक्स आएगा और लिमिट रखेंगे तो आपका आंसर आएगा π/12 बच्चों, आप इसको सोल्व करिएगा। नेक्स्ट फाइंड इंटरवेल इंक्रीजिंग फंक्शन का आपको इंटरवेल फाइंड आउट करना बच्चों, इंक्रीजिंग कैसे करते हैं, आप इसका डेरिवेटिव करो, 0 के बराबर करो, इंटरवेल पे शो करो और फिर इसका इंटरवेल ज्ञात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, y log x + 1/x फाइंड dy/dx, आपको इसका dy/dx ज्ञात करना है बच्चों। a = 3 a 5 फाइंड a का ट्रांसपोज (a) एंड a - a का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बच्चों, 0 से 1 3x² + 2x + 1 लैम्डा dx = 0 फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। x = a sin³t बच्चों, इसका 2 बार डेरिवेटिव करो d2x/dt²। 10वां क्वेश्चन है -1 से 1 x³/(1+x)⁴ dx, आप देख रहे हैं ओड फंक्शन है बच्चों, इसका आंसर 0 आएगा बच्चों। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन log dy/dx = 5x + 6y, log को इधर लाओ और सेपरेट इन द वेरिएबल करके आप इसको सॉल्व करें बच्चों। प्रोबेबिलिटी PA⁴ = 0.4 PB = 0.2 PA/B = 0.5 द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A × B⁻ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए बच्चों। आपको मैंने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एक फॉर्मूला लिख रखा है, इसका यूज करें बच्चों। 0 से π/2 cos²x/2 dx, 0 से ∞ dx/(1+x)² बच्चों,
आप इसका इंटीग्रेशन करें, इसके अंदर फॉर्मल लगेगा वन प्लस कोस एक्स अपॉन टू, ठीक है, अंडरूट टू से टू डी एक्स अपॉन एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेक इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों, माइनस टू से थ्री मोड एक्स डी एक्स, मोड एक्स की डेफिनेशन लगाए क्या आएगी बच्चों पता आपको, माइनस टू से जीरो माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से थ्री एक्स डी एक्स, आप इसका इंटीग्रेशन कर लो आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ए वेक्टर बराबर टू बी वेक्टर बराबर थ्री मोड का बराबर थ्री ए डॉट बी बराबर फोर है बच्चों, तो बताओ ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर का मोड का होल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे बच्चों इसका होल स्क्वायर करो और वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बच्चों, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कोट स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स, क्या करेंगे बच्चों इसमें साइन स्क्वायर एक्स ऊपर ले जाओ कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना सिंपल है ना, तो प्रैक्टिस से आएगी बच्चों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप अपनी कॉपी में लेकर आप इसको सॉल्व करते रहे। साइन की पावर एन एक्स कोस की पावर एन प्लस टू डी एक्स, इसको लिखो पहले टेन की पावर एन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स बराबर टी सपोज कर लो बच्चों, ठीक है, इफ टू लाइन दो लाइन दे रखी है बच्चों, पहले आप इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखें, ये परपेंडिकुलर है तो बताओ लंबाई की वैल्यू क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो है, तो आप स्ट्रेट फॉर्म में लिखकर फॉर्मूला लगाइए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर मोड साइन सेवन एक्स प्लस फाइव, इसमें रेंज का यूज होगा बच्चों, रेंज से आपका इसका आंसर आएगा, टेन की पावर फाइव एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स डी एक्स, ये सब बोर्ड के अंदर आए हैं क्वेश्चन बच्चों, एन डी में आ रखे जी मेंस में आ रखे बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के फॉर्म में करिए है ना, तो एक एक मिनट के अंदर एक एक सवाल आपके पास होना चाहिए। टेन इनवर्स अब देखो क्या है, टेन क्यूब एक्स कॉमन लो, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन होगा, उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स बराबर थ्री पुट कर दो, सीधा आंसर आ रहा है, ऐसे ही ए की पावर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए की पावर टू एक्स है, ए की पावर एक्स बराबर थ्री सपोज करो। नेक्स्ट 24 है, कोसेक की पावर फोर एक्स अपॉन रूट कोट एक्स, बच्चों कोसेक की पावर फोर एक्स को लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और ऊपर लिख दो वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स बराबर थ्री पुट कर लो बच्चों, टेन इनवर्स साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करना है। 26 है, फाइंड बाउंडेड एरिया, फाइंड बाउंडेड एरिया वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर, आपको पता है इसका ग्राफ ये बनेगा बच्चों, और एक्स बराबर एक ये एक्स बराबर एक यहाँ से और एक्स बराबर तीन तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए बी का डिटरमिनेंट, तो बच्चों बच्चे क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते, नहीं करना मल्टीप्लाई, इतना इजी मेथड है बच्चों, क्या मोड ए और मोड बी, इसका मोड नहीं है डिटरमिनेंट से, इसकी डिटरमिनेंट से की वैल्यू निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना इजी सवाल है, इसमें कोई दो मिनट लगा था जबकि दो मिनट का नहीं है, इसकी वैल्यू देखो दो एकम दो पांच थी पंद्रह माइनस का तेरह आ गया बच्चों और पांचों का बीस बीस मिनट हो गया अठारह, दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। ए डायगोनल, डायगोनल का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स, तो आपको पता है इसका इनवर्स क्या आएगा, वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट सिक्स वन अपॉइंट सेवन, क्यों फॉर्मूला होता है बच्चों, आप एक घंटा लगाओ आपकी मर्जी है, नहीं लगाना अपनी लाइफ का सवाल है बच्चों, तो आप इसीलिए इनको ऐसा करिए, इफ डायरेक्शन दे सो वन माइनस थ्री फाइव फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, टेन एक्स अपॉन कोस एक्स है, साइन अपॉन कोस में चेंज करो बच्चों, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आप इसका इंटीग्रेशन करिए बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये 30 सवाल दिए हैं, कॉपी में लिखिए सोल्व करिए, ये सभी बोर्ड के लिए है, स्पेशल सीबीएसई बोर्ड नहीं आरबीसी बोर्ड भी है और ऑल इंडिया का कोई सा भी आईसीएसई बोर्ड, देखिए आप ये लिखा हुआ है आईसीएसई।